पे बोटिंग भी कर रहे हैं लोग, बच्चे अपने और बीवी दूसरों की, सबको अच्छी, सबको अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती है। लेकिन घर वालों को प्रॉब्लम नहीं थी उसके और मेरे, बट जो मेरे रिलेटिव्स थे ना। हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 1 जनवरी 2023 और आज हम आए हैं ये सैर सपाटा घूमने के लिए। तो अभी हम चलते हैं और उसके बाद देखते हैं अंदर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तौसीफ भाई हैं। हाय गाइज, ये इनका चैनल सब्सक्राइब करो आप लोग, ये नए नए हैं तो इनको सपोर्ट करो आप लोग। हाँ ये कर लो पहले। हाँ और यहाँ से दिखाता हूँ मैं व्यू, बहुत ही अच्छा आ रहा है। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ ये सूरज कुछ देर बाद ढलने वाला है। और इधर ये पूरा एक है इधर, और यहाँ पे ये शायद बोट वोट मतलब टाइप का कुछ रखा हुआ है। तो चलते हैं। हाय बोलो। हाय गाइस। हाय हाय। यहाँ से बोटिंग भी कर सकते हैं आप, ये देखिए बहुत सारे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं फर्स्ट बार आ रहा हूँ, स्टीमर बोट भी है। उसमें करने में कितना लगता है? उसमें करने पर अब पता नहीं है, मतलब चलो पूछते हैं, अगर कम होगा तो पूछना पड़ेगा। हाँ चलो करेंगे, चलो देखते हैं। और यहाँ पे आज भीड़ भी बहुत ज्यादा है। कूद क्यों रहे हो यहाँ से? हो अरे मत जा उधर। ठीक है भाई मैं चलता। ओके ओके बाय। ओके बाय। अरे चलते हैं भाई साइड से, ये देखो बंदर बंदर आ गया पार्क में भाई। तो अभी हम आ गए इधर, ये यहाँ से लोकेशन बहुत अच्छा आता है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग भी कर रहे हैं लोग। और इस साइड से दिखाता हूँ। साइड ये बच्चों वाला पार्क है और ये रहा क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री इधर है। और अंदर ये ट्रेन है पूरा, ये ट्रेन टिकट एक आदमी का 20 रुपया और बच्चों का 10 रुपया। और यहाँ पे ट्रेन है और ये ट्रेन का लाइन है। यहाँ पे बहुत से लोग ले रहे हैं पिक, ये देखिए बहुत लग रहा है छोटी वाली लाइन है। 40 वोल्ट के इधर करेंट और ये सैर सपाटा जंक्शन है, मतलब स्टेशन वाला ये जंक्शन है। और आगे ये फूड जोन है पूरा। क्या हुआ? गॉड एक बार दिला दे यार। क्या चाहिए भाई? सब्सक्राइब फैन। अच्छा यहाँ पे स्टीमर भी है, स्टीमर का भी यूज हो सकता है। जो भी स्टीमर का है 300 रुपया है। और उसके बाद अगर पैदल वाले से जाते हैं लोग तो इसका 90 रुपया 4 आदमी का आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे देखिए वेव बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से। और यहीं से ट्रेन आती है, मतलब जो इस पार्क का ट्रेन है। और यहाँ पे गुमटी साइड का है। किसके लिए भाई ये रखा है चेयर? हम लोग के लिए रखा है क्या? मेरे लिए भाई रखा हुआ, मेरे लिए ना। हाँ बैठो बैठो, जाकर जाओ बैठो। वाह, ये हमारे नेता जी चचा विधायक हैं। राजा जी।
यहाँ पे बैठने वाला जगह है, यहाँ पे बैठ कर आप खा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे अभी रात होने ही वाला है, तो यहाँ तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से व्यू पॉइंट है, तो यहाँ से देखते हैं कैसा आता है व्यू। सही आ रहा है यहाँ से व्यू। यहाँ पे देखिए बहुत डेंजर, ये लकड़ी भी लग रहा है सड़ चुका है ना लकड़ी ये। यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छा आ रहा है, ये दर्द होता है, अलग ही दर्द होता है, समझ जाते हैं भाई। समझने वाले कौन सा दर्द है भाई, हमको पता है कि दर्द है। हाँ। फिर भी हम इसमें घुसते हैं, घुसते हैं। सही बात है, सही बात ना, सही बात है। फिर भी हम जाते हैं, वही करते हैं, जबरदस्ती करके जाना है उसमें। सही बात बोल रहे हो भाई, बिल्कुल शादी की बात सुनते ही कमारे वाइब्रेट मोड पर हो जाते हैं। शादीशुदा साइलेंट मोड पर। ओ भाई हम शादी करते हैं। हाँ, सही बात है। ये नहीं होता है कि जो शादी का लड्डू खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। वो भी पछता है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, फैक्ट है ये। बच्चे अपने और बीवी दूसरों की, सबको अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सही बात है भाई। क्यों? वो जो आपकी बीवी है ऑलरेडी, वो पहले आपको दूसरे बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, हाँ, जब और फिर बाद में है ही नहीं, बाद में पता था क्या कर लिया, गलती कर ली, सर दर्द उठा के ले गया, गलती कर ली। ओहो भाई बहुत स्पीड में जा रहा है, मतलब ब्लॉग बनाते हैं, वही ब्लॉग बनाते हैं। आप भी भाई मतलब आप आ गए हैं ब्लॉग में। थैंक्स, लव यू। सभी तहसीन। अभी हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि रात में रुकने का प्लान हो चुका है कैंसिल, क्योंकि मतलब दोस्त बोल रहे रूम पर जाना है, पार्टी भी करना है। अरे नहीं, इधर रूम पे जाना है, पार्टी भी करना है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं रूम पे। अभी हम जा रहे हैं घर क्योंकि शहर से पटा घूम लिया है लोग। बंद कर दो भाई गेट। यकीन करना कि वो समझ जाएगी, उसके सब हो जाएगा, बच्चा भी हो जाएगा, एक डेढ़ साल बाद सब हो जाएगा। जिंदगी तो करता ही है खराब, उस लड़की की भी कर देता हूँ। हाँ। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आपकी जो शादी हुई, मतलब बीच में कोई रुकावट तो नहीं है? बुलाई ना भाई, क्यों नहीं आई? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, आई रुकावट, मतलब ठीक है वो मेरे रुकावट तो यार आती ही है, सेम ही थी, लेकिन घर वालों को प्रॉब्लम नहीं थी उसके और मेरे। हाँ। बट जो मेरे रिलेटिव्स थे ना उनको प्रॉब्लम थी। हाँ। कि भाई ये दूर से ऐसा लगता है वैसा लगता है। हाँ। दूर से भाई सिस्टर तक बना दिया कि दूर सिस्टर की लगती है। हाँ। लेकिन मेरे घर वाले और मैं और वो जब हम दोनों एक मजबूती से खड़े थे ना, मेरे घर वालों ने भी कहीं ना कहीं, उसके घर वालों ने भी कहीं ना कहीं एक बार मना कर दिया था कि नहीं। हाँ। नहीं होगा। हाँ। लेकिन हम जब वो दोनों पकड़ के खड़े रह गए। आपकी लव स्टोरी और ये अभी तो टाइम ही नहीं है, तो आपको लव स्टोरी भी सुन लेते हैं। स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कैसे मिले थे आप? हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, 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 नहीं। कभी मिलेंगे ना जिंदगी में, दोबारा मिला। फाइनली हम आ चुके हैं घर पे,